हेलो वीवर्स वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर बी पी एस सिक्सटीन एफ पी एस सी पास पेपर टू थाउजेंड एंड एटीन सॉल्व पेपर पार्ट वन इससे पहले भी सीनियर ऑडिटर के पास पेपर जो है चैनल में मौजूद हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है डैश द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वॉज रिसकेजुअल्ड यहाँ पे आएगा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द बैड वैदर बुरे मौसम की वजह से द आउटडोर पार्टी वॉज रिसकेजुअल द आउटडोर पार्टी जो थी वो रिस्कैजुअल हो गई सेकेंड है डैश लूजिंग द फर्स्ट मैच और टीम हैज़ वन द वर्ल्ड कप डिस्पाइट यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट मैच पहला मैच हारने के बावजूद आवर टीम हैज़ वन वर्ल्ड कप हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप जीत गई तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइट क्वेश्चन थ्री है यू आर वेयरिंग एन आर्मीज यूनिफॉर्म बट द डैश इज मिसिंग यू आर वेयरिंग एन आर्मीज यूनिफॉर्म आपने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई बट द पॉच इज मिसिंग पॉच जो है वो मिसिंग है क्वेश्चन फोर है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज विजिट द वेबसाइट डब्ल्यू 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 शेयर डाटा यहाँ पर आएगा इनफॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विजिट द वेबसाइट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने वेबसाइट विजिट की एंड इंफॉर्म द डाटा और उसमें डाटा इंफॉम किया या पुट किया क्वेश्चन फाइव है आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स यहाँ पे प्रपोजिशन आएगी ऑफ आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स मुझे बिल्लियों से डर लगता है क्वेश्चन सिक्स है वी डि नॉट हैव डैश क्वेश्चन फॉर द लेक्चर वी डि नॉट हैव एनी क्वेश्चन फॉर द लेक्चर तो हम हमारे पास लेक्चर के लिए कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है सेवन है Although दो इट्स पब्लिसिटी हैज़ dash, डैश द फिल्म इट्स सेल्फ इज़ इंटेलिजेंट वेल एक्टेड हैंडसमली प्रोड्यूस्ड एंड ऑल टुगेदर डैश तो यहाँ पे आएगा Although दो इट्स पब्लिसिटी हैज़ tasteless. टेस्टलैस अगरचे इसकी पब्लिसिटी जो थी वो सही नहीं हुई या टेस्टलेस थी द फिल्म इट्सल्फ इज़ इंटेलिजेंट लेकिन फिल्म जो है वो बहुत अच्छी बेहतरीन है वेल well एक्टेड है हैंडसमली प्रोड्यूस्ड एंड ऑल टुगेदर रिस्पेक्टेबल वो अच्छे एक्टिंग पर मुश्तमिल हैंडसमली प्रोड्यूस्ड हुई हुई है और वो रिस्पेक्टेबल भी है तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन एट है वाई आर यू स्टिल स्लीपिंग तुम अभी तक क्यों सोए हुए हो यू विल बी लेट तुम लेट हो जाओगे डैश ऑफ बैट बैड नो गेट आउट ऑफ बैट नो तो तुम अभी तक क्यों सोए हुए हो तुम लेट हो जाओगे गेट आउट ऑफ बेड नाउ और फॉरन बेड से खड़े हो जाओ या उठ जाओ क्वेश्चन नाइन है इफ़ आई हैड मनी आई डैश इट ना इफ़ आई हैड मनी अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड परचेज इट्स नो तो मैं इसे अभी परचेज कर लेता क्वेश्चन टेन है द मैन डैश यू मे मेट ज एनी एंकर पर्सन यहां पर आएगा द मैन हो यू मेट वो आदमी जिससे तुम मिले वो एक एंकर पर्सन है ऑप्शन सी क्वेश्चन अलेवन है द विमेन डैश इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द विमेन हो इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वो औरत जो टेबल के पास खड़ी है इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती है क्वेश्चन है इफ़ ह्यूमंस वर टोटली ह्यूमस वोटलीफ स्लीपैश हॉलोसिनेशन एनजाइटी कोमा एंड इवेंचुअली डेथ अगर इंसान पूरी तरह नींद से महरूम रहे तो वो फ्रेब इसराब कोमा और बिल आखिर मौत का तजर्बा करेंगे तजर्बा करेगा या मौत का मौजब बनेगा तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है वुड एक्सपीरियंस क्वेश्चन थर्टीन है ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन डैश इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस तो यहां पे आएगा इधर ही इज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इधर इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस वो फ्लैट या मुशतरका घर में रिहायश ढूंढ रहा है फोर्टीन है यू कैन गो नीदर बाय ट्रेन नॉर बाय बस यहाँ पे नॉर आएगा आप ना तो ट्रेन से जा सकते हैं और ना ही बस में फिफ्टीन है बिफोर डिज़ाइनिंग अ पब्लिक पार्क द आर्किटेक्ट मस्ट डैश द पब्लिक तो बिफोर डिजाइनिंग पब्लिक पार्क पब्लिक पार्क डिज़ाइन करने से पहले द आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट है मस्ट कंसीडर द पब्लिक पब्लिक को वो कंसीडर करेगा ऑप्शन ए 16 है when she शी younger, जब वो जवान थी ये छोटी थी शी डैश फाइव किलोमीटर्स अ डे शी वॉकड फाइव किलोमीटर्स day, तो वो पाँच किलोमीटर वॉक करती थी सेवनटीन है टू चेक फॉर एसिडिटी वन हैड बेटर यूज लिटमस पेपर टू चेक फॉर एसडिटी एसिडिटी चेक करने के लिए वन हैड बैटर यूज़ लिटमस पेपर तो लिटमस पेपर जो है वह इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए यूज जो है वह राइट आंसर है ऑश्चन एटीन है द हाउस इज़ लार्ज डैश इज़ क्वाइट ओल्ड फैशन द हाउस इज़ लार्ज घर बड़ा है बट इज़ क्वाइट ओल्ड फैशन लेकिन बहुत पुराने ख्याल का है ओल्ड फैशन है तो पे ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नाइनटीन है वी नीड टू फाइंड डैश मैथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड एन अदर मैथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यहां पे ऑप्शन right तो सी है हमें वी नीड टू फाइंड हमें जरूरत है तलाश करने की कोई दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो यहां पर इसका मतलब बना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई दूसरा मेथड यूज़ ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन ट्वेंटी है द स्टूडेंट इन आवर स्कूल आर डैश इन अदर स्कूल्स द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल्स वो स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के हैं, आर स्मार्टर दैन दो इन अदर स्कूल दूसरे स्कूलों के नस्बत हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा स्मार्टर हैं ज़्यादा होशियार हैं अक्लमंद हैं ट्वेंटी वन है डैश इज़ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अजनस तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ऑडिटिंग ऑडिटिंग इज दस्टमेटिकटिक्रोनोलॉजिकल एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड रिकॉर्ड्स का एक बिजनेस केदरवाइज कॉल्ड एज एफिशंसी ऑर्डिट तो मैनेजमेंट ऑर्डर को एफिशिएंसी ऑर्डर भी कहा जाता है ट्वेंटी थ्री है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर इज ऑप्शनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर जो है वो ऑप्शनल होता है तो वो है पार्टनरशिप कंसर्न ऑप्शन सी पार्टनरशिप कंसर्न में ऑर्डर जो है वो ऑप्शनल होता है अगर चाहें तो करवा लें और चाहें तो ना करवाएं। ट्वेंटी फोर है ऑडिटर इज डैश ऑडिटर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी ऑडिटर जो है बेसिकली कंपनी का एजेंट होता है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव है प्रॉस्पेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी तो अब प्रॉस्पेक्ट अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल अबाउट द शेयर कैपिटल जिसके ऊपर शेयर कैपिटल की डिटेल होती है एक कंपनी की तो उसको कहते हैं प्रॉस्पेक्टस तो व्यवर्स ये था पार्ट फर्स्ट सीनियर एडिटर का तो इनशाला सीनियर एडिटर का पार्ट सेकंड जो है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा आपने अभी तक फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और तैयारी में हमारे साथ रहें अल्लाह हाफिज़